Tonight you're wrong. Me, Bhagwan, Maharashtra, Mahajanajesa Sakshi, Sanchajai. तुम्ही पण देणार ना महाजनादेश? संतमुक्ताई और बहिणाबाई की इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आज शरद पूर्णिमा का पावन अवसर भी है। आज भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस भी है। मैं देशवासियों के आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। राष्ट्र के विकास में हम सभी मिलकर इसी तरह काम करते रहे, यही हमारे उत्सव और पर्वों का संदेश है, यही हमारी प्रेरणा है, यही हमारे सार्वजनिक जीवन के प्राण है। साथियों, रेलिया में लोकसभा के चुनाव के दौरान भी बहुत हुई, यहां उत्तरी महाराष्ट्र में भी एक से एक विराट जनसभाएं हुई, लेकिन जलगांव की यह जनसभा अद्भुत है, अद्भुत है। और मैं वहां देख रहा हूं पूरी जैसे सभा चल रही है, जैसे इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ चल कर आ रही है। तो मेरी बात पे आपको भरोसा नहीं है, खड़े होकर के देख रहे हो? अच्छा, आपका भी मन कर गया इस नजारे को देखने का, ये मीडिया वाले भी देख रहे हैं। पूरी की पूरी सभा जैसे चल रही है, मुझे बताया गया है कि दोपहर के इस ताप में भी आप घंटों से यहां बैठे। हम सभी साथियों के लिए आपके इस स्नेह को, इस सद्भावना को मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सभी आने वाले 5 वर्षों के लिए देवेंद्र फडणवीस जी की अगुवाई में महायुति सरकार के लिए एक बार फिर आप सबका समर्थन मांगने के लिए आए। लेकिन जलगांव की धरती पर आने का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है। आपने जो अभूतपूर्व विश्वास हम सब पर, मुझ पर, भाजपा पर, एनडीए पर दिखाया है, हम उसका आभार भी जताने आए। साथियों, 4 महीने पहले आपने एक समर्थ और सशक्त नए भारत के निर्माण के लिए वोट दिया। आपने एक ऐसे भारत के लिए जनादेश दिया था
जो विश्व में अपने स्वाभाविक स्थान को हासिल कर ले। आपने ऐसे भारत के लिए हमें आदेश दिया था जो 130 करोड़ भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव कदम उठाए। भाई और बहनों, आज जब आपके बीच में आया हूं तब कह सकता हूं कि नए भारत का नया जोश दुनिया को भी दिखने लगा है। आपको भी लगता है ना? आपको भी लगता है ना? आपका भी विश्वास है ना? आप भी अनुभव कर रहे हैं ना? पहले ऐसा होता था।